तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगी कि आज का वीडियो किस टॉपिक के होने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में आप कैसे अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो या फिर आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको चले जाना है गूगल में, इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को सर्च करना है रिमूव बीजी। सर्च करने के बाद सबसे फास्ट में ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करना है। इस वाली वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है, रिमूव इमेज बैकग्राउंड। तो आप लोग को यहाँ से अपलोड इमेज के ऊपर में क्लिक करके फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना, जित भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो या फिर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो। उसके बाद आप लोग यहां से देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में ही यहां से आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको यहां से एडिट के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से एडिट के ऊपर में क्लिक करते हो तो नीचे में आपको यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ से मैं सबसे फर्स्ट वाले बैकग्राउंड के ऊपर में क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, हमारा जो बैकग्राउंड वो यहाँ से लग चुका है। यहाँ से अगर आपको दूसरा बैकग्राउंड लेना है तो आप यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी बैकग्राउंड आपको यहाँ से पसंद आता है, सिंपली आप लोग उस बैकग्राउंड के ऊपर में क्लिक कर देना, आपकी फ़ोटो में से वो बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं कोई सा भी एक अच्छा बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो, तो हमारा जो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लर का। ब्लर ऑप्शन में आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, मीडियम, लार्ज और हाई। तो इसमें तो आप अपने हिसाब से जितने ज़्यादा अपने फ़ोटो को ब्लर करना चाहते हो, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को DSLR जैसा ब्लर दे सकते हो। सिंपली वीडियो कैसे ली कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज के ऊपर में क्लिक कर देना। डाउनलोड इमेज के ऊपर में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो, हमारे जो इमेज थी वो डाउनलोड हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो, पहले ये इमेज कुछ इस तरीके से थी और यहाँ से एक क्लिक में, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में कुछ इस तरीके से हो गई।